इस विशालकाय ब्रह्मांड में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। हर महीने पृथ्वी 30 डिग्री घूमती है और 12 महीनों में 360 डिग्री घूमकर सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है। हर महीने सूर्य और धरती के बीच में पड़ने वाला ग्रह मनुष्य का राशि ग्रह कहलाता है। इस तरह से मनुष्य जीवन में 12 राशियां होती हैं। ग्रहों की शक्तियां ही मानव जीवन को संचालित करती हैं। ये दिखाई नहीं देती पर इनका अनुभव हर मनुष्य को होता है। हम में से कोई भी सूर्य और चंद्रमा के बिना इस संसार में जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता है। मनुष्य के जन्म लेने के समय नवग्रहों की स्थिति और नवग्रहों की दशा ही मनुष्य का वर्तमान और भविष्य निर्धारित करती है। जहाँ कोई व्यक्ति राजा जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है तो वहीं कोई गरीबी की जिंदगी जी रहा है। अक्सर देखा गया है कम प्रभावशाली लोगों के पास नाम शोहरत और पैसा होता है तो वहीं काबिल लोग अनेकों प्रयास करने के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं और पैसा नहीं कमा पाते। इन नवग्रहों के प्रभाव से ही कोई स्वस्थ जिंदगी जी रहा है तो कोई रोगों से परेशान, किसी की शादी नहीं हो रही तो किसी को संतान सुख नहीं, कोई नौकरी के लिए परेशान है तो कोई लगातार व्यापार में घाटा उठा रहा है। ग्रहों की अच्छी दशा की वजह से ही कोई महलों जैसे घर में रह रहा है तो वहीं ग्रहों की खराब दशा की वजह से लोग छोटे से घर में घुट घुट कर जी रहे हैं। ग्रहों के दुष्प्रभाव से जीवन में मानसिक अशांति, घर में क्लेश, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। मनुष्य पर नवग्रहों के इन्हीं प्रभावों को राशि और भाग्य का खेल कहते हैं। करीब 1700 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इन नवग्रहों के महत्व को समझ लिया था और बृहत संहिता ग्रंथ की रचना की। इन नवग्रहों से मनुष्य तो क्या पूरी धरती का जीवन प्रभावित होता है, जाति या धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। हजारों साल पहले इन्हीं नवग्रहों के प्रभाव से धरती पर विस्फोट हुए और मानव जाति के कल्याण के लिए ईश्वर की प्रेरणा से धरती माँ के पवित्र गर्भ से समस्त दुख एवं शोक नाशक कल्याणकारी इन अनमोल रत्नों का जन्म हुआ। जिस तरह से मोबाइल फोन काफी दूर स्थित अपने टावर से सिग्नल लेते हैं या फिर डीटीएच जो हजारों मील दूर सैटेलाइट से सिग्नल लेकर हाई डेफिनेशन चैनल दिखाता है, ठीक उसी तरह ये रत्न अपने स्वामी ग्रह की पावर हम तक पहुंचाते हैं और हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए जीवन का हर मुकाम हासिल करते हैं। अब आप भी अपनी राशि का रत्न पहनकर जीवन में बिना समय गवाए सफलता हासिल कर सकते हैं। इन रत्नों को पहनते ही आप प्लेनेट्स की कॉस्मिक एनर्जी को महसूस करेंगे, ग्रहों की शक्तियां आएंगी और आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। इनको पहनते ही आपकी सभी बाधाएं दूर होने लगेंगी, आपको जीवन में आगे बढ़ने के नए नए अवसर मिलेंगे और आप जीवन में नई बुलंदियों को छुएंगे। छोटे रत्न कम कॉस्मिक एनर्जी देते हैं, जितना बड़ा रत्न उतनी ज्यादा पावर और पॉजिटिव रिजल्ट्स। इसीलिए जीवन में सफलता और अच्छे परिणामों के लिए 11.25 रत्ती के बड़े रत्न ही धारण करने चाहिए। ये सभी रत्न नेचुरल और जेन्युइन हैं और हर रत्न के साथ है इनके ओरिजिनल होने का प्रमाण पत्र। राशि रत्न के साथ मिलने वाली इस चेंज योर फॉर्च्यून गाइड में हमने सभी राशि रत्नों को पहनने का दिन, समय और विधि बताई है। शनि की ढैया, साढ़े साती या फिर राहु केतु का प्रकोप, इन सब से बचने के पौराणिक और सफल उपाय भी इस गाइड में हैं। इस गाइड में हर राशि के भाग्य में आने वाली अड़चनों को दूर करने और तरक्की के नए नए मार्ग खुलने के बेहद आसान तरीके बताए गए हैं। अपनी राशि अनुसार रत्न पहनकर आप इस गाइड में बताए गए उपायों को नियमित रूप से करेंगे तो आपका भाग्योदय अवश्य ही होगा। नौकरी और व्यापार में तरक्की होगी, धन आने के नए नए रास्ते खुलेंगे, घर धन धान्य से भरा रहेगा, आप भी जिएंगे एक सुखी, संपत्ति और समृद्ध से परिपूर्ण जीवन। ज्वेलरी शोरूम के खर्चे लाखों रुपयों में होते हैं, इसीलिए ज्वेलरी शोरूम में बेहद छोटे साइज के रत्न लाखों रुपयों में प्रेशस स्टोन्स यानी नवरत्नों के नाम पे बेचे जाते हैं, जो महंगे तो होते हैं लेकिन पूर्ण प्रभावशाली नहीं होते। टीवी से इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर, हम रत्नों की खदानों से ये खूबसूरत रत्न नेचुरल फॉर्म में बहुत बड़ी मात्रा में खरीदते हैं।
जयपुर में स्थित हमारी इस विशाल फैक्ट्री में रत्नों की जानकार कारीगर इन्हें अत्याधुनिक मशीनों पर इनकी कटिंग और पॉलिशिंग करते हैं, इन्हें खूबसूरत आकार देते हैं और फिर इन्हें सेट किया जाता है। एडजस्टेबल यानी फिट फॉर ऑल 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड इन रिंग्स में हम हजारों राशि रत्न रोज बनाते हैं और पहुंचाते हैं सीधे आप तक, न कोई मिडलमैन और न ही कोई शोरूम्स का खर्चा। हम चाहते हैं कि सभी लोग इन राशि रत्न को खरीद सके और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर जिए एक खुशहाल जीवन। जन कल्याण की भावना से 11.25 रत्ती के ये बड़े और अनमोल राशि रत्न टीवीसी आप तक पहुंचा रहे हैं बहुत ही कम कीमत पर। तो आज ही हमारी 24 आवर्स हेल्पलाइन पर संपर्क कीजिए और मंगवाइए अपना राशि रत्न और सवारिए अपना भाग्य। खोया हुआ समय वापस नहीं आता है, इसीलिए अभी हमारी 24 आवर्स हेल्पलाइन पर संपर्क करें और मंगवाएं अपना राशि रत्न और संवारें अपना भाग्य। 11.25 रत्ती के ये बड़े साइज के बेहद सुंदर रत्न आप प्राप्त कर सकते हैं 4,890 रुपए की सहयोग राशि में। मेष राशि एरीज, 22 मार्च से 20 अप्रैल के बीच जन्मे हुए लोगों की मेष राशि होती है। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल यानी मार्स होता है। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल को प्रसन्न करने के लिए 11.25 रत्ती का बड़े साइज का कोरल पहनना चाहिए। इस रत्न को पहनने से व्यक्ति यशवान एवं धनवान हो जाता है। वृष राशि टॉरस, 21 अप्रैल से 21 मई के बीच जन्मे हुए लोगों की वृष राशि होती है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र यानी वीनस ग्रह है। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं। वृष राशि के लोगों को 11.25 रत्ती का बड़े साइज का व्हाइट टोपाज धारण करना चाहिए। इस रत्न को पहनने से मानसिक शांति एवं धन का संचय बढ़ता जाता है। लाखों रुपए खर्च करके MBBS की डिग्री लेकर डॉक्टर बना, लेकिन मेरा क्लिनिक कुछ खास चला नहीं। मैंने तुरंत अपना राशि रत्न मंगवाया, पहनते ही मेरे अंदर एक अजीब सा जोश आ गया और आज मैं एक शानदार और खुशहाल जिंदगी बिता रहा हूं। नमस्कार दर्शकों, मैं अमित पचौरी राशि रत्न और भाग्य के शो में टीवी और फिल्म जगत की जानी मानी कलाकार दीप्ति भटनागर जी का स्वागत करता हूं। आइए दीप्ति जी। नमस्कार। नमस्कार जी। दीप्ति जी ने अपने फेमस टीवी शो यात्रा के माध्यम से हिंदुस्तान के सभी दैविक स्थलों के दर्शन किए हैं और साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर पंडित शशांक जी का। आपका स्वागत है। नमस्कार। शशांक जी ने प्रतिष्ठित प्रयाग विश्वविद्यालय से ज्योतिष और वास्तु में PhD की डिग्री हासिल की है। दोस्तों, डॉक्टर शशांक के ज्योतिष विषय पर हजारों कार्यक्रम राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर प्रसारित हो चुके हैं। शशांक जी, हमारे दर्शकों को नवग्रहों और राशियों का मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे। हमारे शास्त्रों में नवग्रह का वर्णन कुछ इस प्रकार है, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहा शांतिकर भवन्तु। अर्थात हे ईश्वर, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु एवं केतु सभी ग्रह शांत एवं प्रसन्न हो। अगर ग्रह अपने पक्ष में हैं तो इंसान रंक से राजा, और अगर ग्रह आपके साथ नहीं है तो राजा से रंक बनते समय नहीं लगता है। मनुष्य के ग्रह अगर ठीक ना हो तो उसकी बुद्धि धरी की धरी रह जाती है और अनेकों प्रयास के बावजूद उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। हर इंसान के पास बुद्धि और काबिलियत होती है, लेकिन कुछ लोग अपने अच्छे भाग्य की वजह से बहुत जल्दी तरक्की कर जाते हैं। इस प्रकार नवग्रह संपूर्ण जनमानस एवं प्राणी जगत को अपने प्रभाव से नियंत्रित करते हैं। ब्रह्मांड में घटित होने वाले समस्त प्रकार के सुख दुख लाभ हानि जय पराजय यश अपयश, इन सब का मूलभूत कारण ये नवग्रह ही हैं। जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा और बाकी ग्रह संपूर्ण मानव जाति के लिए जीवन का स्रोत है, ठीक उसी तरह से
नवरत्न भी समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हैं। इन रत्नों का जिक्र पवित्र बाइबल में भी है और आज पूरी दुनिया के लोग इन रत्नों का महत्व समझकर इन रत्नों को धारण कर रहे हैं। मिथुन राशि जेमिनी। 22 मई से 21 जून के बीच जन्मे हुए लोगों की मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध यानी मरकरी है। इनकी कुदृष्टि से उत्पन्न कष्ट एवं दुखों से मुक्ति पाने के लिए 11.25 रत्ती का बड़े साइज का ग्रीन टोपाज पहनना चाहिए। इस रत्न को पहनने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कर्क राशि कैंसर। 22 जून से 22 जुलाई के बीच जन्मे हुए लोग कर्क राशि में आते हैं। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा यानी मून है। इनकी कुदृष्टि से उत्पन्न कष्ट एवं दुखों से मुक्ति पाने के लिए 11.25 रत्ती का बड़े साइज का पर्ल धारण करना चाहिए। इस रत्न को पहनने से व्यक्ति निरोगी एवं धनवान होता है। मेरे अंदर काफी काबिलियत होने के बावजूद मेरी प्रैक्टिस नहीं चल रही थी। फिर मैंने टीवी पर राशि रत्न का शो देखा और प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर मैंने राशि रत्न का ऑर्डर दे दिया और मैं एक रिस्पेक्टेड ट्रस्टेड एडवोकेट बन गया। ये राशि रत्न वाकई काम करती। मैं जानता हूं कि हमारे दर्शकों के मन में ये सवाल अवश्य उठ रहा होगा कि कैसे ये रत्न हजारों मील दूर अपने ग्रहों से कॉस्मिक एनर्जी लेकर रत्न धारण करने वाले व्यक्ति के जीवन में सफलता दिला सकते हैं। आज से 25 साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि हम कार या ट्रेन से सफर करते हुए मोबाइल फोन से बात कर पाएंगे या फिर बिना किसी केबल कनेक्शन के DTH लगाकर सैटेलाइट से हजारों टीवी चैनल देख सकते हैं? तभी किसी ने यकीन नहीं किया होगा, पर आज ये मुमकिन है। एस्ट्रोलॉजी और जेमस्टोन्स भी एक विज्ञान है। जिस तरह कुछ लोगों ने मोबाइल फोन के महत्व को समझते हुए 20 साल पहले खरीद लिया था और कुछ ने अभी कुछ समय पहले, ठीक इसी तरह इन राशि रत्न के महत्व को बहुत से लोगों ने पहले ही समझ लिया था और इन अनमोल रत्नों को पहनकर अपने जीवन में प्रगति की। मेरा तो यही मानना है कि जब जागो तभी सवेरा। दीप्ति जी ठीक कह रही है। ज्योतिष शास्त्र और राशि रत्न एक विज्ञान है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इन नवग्रहों की स्थितियों और दशाओं को समझ लिया था और वृहत संहिता ग्रंथ की रचना की। हजारों साल पहले हमारे वेदों में बताए गए समय पर ही सूर्य और चंद्र ग्रहण लगता है। नासा और विश्व के कुछ और विद्वानों ने 100 साल पहले समझा और अब पूरा विश्व मानता है कि भारत का यह पुरातन ज्ञान एक विज्ञान है। सदियों से राजा महाराजा और सफल लोगों ने राशि रत्न के महत्व को समझा और अपने जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। मैं आप दोनों के विचारों से सहमत हूं। मैंने भी अपने जीवन में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, वरिष्ठ अधिकारियों की उंगलियों में इन राशि रत्नों को देखा है। जी हाँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी ज्यादातर लोग दौलत और शौहरत हासिल करने के लिए इन राशि रत्नों को पहनते हैं। ये खूबसूरत राशि रत्न नायक, महानायक और अभिनेत्रियों के हाथों की शोभा बढ़ाते हैं। सिंह राशि लियो। 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच जन्मे हुए लोग सिंह राशि में आते हैं। सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य यानी सन है। इनको प्रबल बनाने के लिए 11.25 रत्ती का बड़े साइज का रेड टोपाज पहनना चाहिए। इस रत्न को धारण करने से यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति, कार्यों में प्रगति एवं समस्त कष्टों रोगों का निवारण होता है। कन्या राशि वर्गो। 23 अगस्त से 23 सितंबर के बीच जन्मे हुए लोगों की कन्या राशि होती है। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध एवं राहु है। इनको प्रभावी बनाने के लिए व्यक्ति को 11.25 रत्ती का बड़े साइज का हेसोनाइट पहनना चाहिए। इस रत्न को पहनने से व्यक्ति में सही निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होती है एवं सभी क्षेत्रों में यश प्रतिष्ठा में वृद्धि एवं अकस्मात धन लाभ होता है। बहुत सारे इंटरव्यूज दिए मैंने पर कहीं कोई काम ही नहीं हो रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे इकट्ठे किए और अपना राशि रत्न मंगवाया। मुझे एक अच्छी जॉब मिली और 6 महीने में ही मुझे प्रमोशन मिल गया। अब तो मैं अपनी कलीग मेघना के साथ शादी करने जा रहा हूँ। डॉक्टर शशांक, क्या ये राशि रत्न सिर्फ हिंदुओं को पहनना चाहिए या फिर इनको
और भी धर्मों के लोग पहन सकते हैं। हजारों साल से राजाओं ने, चाहे वो क्षत्रिय हो, राजपूत हो या मुगल हो, सभी ने इन राशि रत्नों को धारण कर यश और विजय हासिल की है। और आज पूरी दुनिया इन राशि रत्नों के महत्व को समझते हुए इन्हें पहनकर नवग्रहों की शक्तियों का लाभ उठा रही है। हुमायूं से लेकर शाहजहां तक सभी मुगल शासकों ने कोहिनूर हीरे को अपने मुकुट में धारण किया। मुगलों का यह मानना था कि इसी हीरे से उनका परचम पूरे हिंदुस्तान में लहराया। आज कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राजघराने की शोभा बढ़ा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 8.25 रत्ती से छोटे रत्न काम नहीं करते हैं। यदि जीवन में शुभ और सुखद परिणाम चाहते हैं तो इसके लिए आपको बड़े रत्न पहनने पड़ेंगे। तुला राशि लिब्रा। 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच जन्मे हुए लोगों की तुला राशि होती है। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र यानी वीनस है। शुक्र ग्रह की प्रसन्नता के लिए 11.25 रत्ती का बड़े साइज का व्हाइट टोपाज पहनना चाहिए। इस रत्न को पहनने से व्यक्ति को व्यापार या नौकरी में हमेशा बड़ी सफलता और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। 23 अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच जन्मे हुए लोग वृश्चिक राशि में आते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल यानी मार्स है। इनको अति प्रभावी बनाने के लिए 11.25 रत्ती का बड़े साइज का कोरल पहनना चाहिए। इस रत्न को पहनने से क्रोध में नियंत्रण, रोगों पर विजय एवं आलीशान मकान और व्यवसाय में प्रगति होती है। कुछ समय पहले तक ये अनमोल रत्न कुछ बड़े लोगों तक ही सीमित थे और आज भी ज्वेलरी शोरूम में बहुत महंगे दामों पर बिकते हैं ये, और कई लोग तो इन्हें खरीद भी नहीं पाते। ज्वेलरी शोरूम के खर्चे लाखों रुपए में होते हैं और कुछ ही जेमस्टोन्स पूरे महीने में बेच पाते हैं, इसलिए वहां ये महंगे होते हैं। टीवी सेज डायरेक्ट टू कंज्यूमर। हम रत्नों की खदानों से ये खूबसूरत रत्न नेचुरल फॉर्म में बहुत बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। जयपुर में स्थित हमारी इस विशाल फैक्ट्री में रत्नों के जानकार कारीगर इन्हें अत्याधुनिक मशीनों पर इनकी कटिंग और पॉलिशिंग करते हैं, इन्हें खूबसूरत आकार देते हैं और फिर इन्हें सेट किया जाता है। एडजस्टेबल यानी फिट फॉर ऑल 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड इन रिंग्स में हम हजारों राशि रत्न रोज बनाते हैं और पहुंचाते हैं सीधे आप तक। न कोई मिडलमैन और न ही कोई शोरूम्स का खर्चा। हम भारत में ही नहीं, कई देशों में इन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग इन राशि रत्न को खरीद सके और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर जिए एक खुशहाल जीवन। जन कल्याण की भावना से 11.25 रत्ती के ये बड़े और अनमोल राशि रत्न टीवीसी आप तक पहुंचा रहे हैं बहुत ही कम कीमत पर। तो आज ही हमारी 24 आवर्स हेल्पलाइन पर संपर्क कीजिए और मंगवाइए अपना राशि रत्न और सवारिए अपना भाग्य। धनु राशि सेजिटेरियस। 24 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच जन्मे हुए लोगों की धनु राशि होती है। धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर हैं। धनु राशि के लोगों को 11.25 रत्ती का बड़े साइज का येलो टोपाज धारण करना चाहिए। इस रत्न को पहनने से सभी विघ्न बाधाओं का नाश एवं भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होता है। मकर राशि कैप्रिकॉन। 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच जन्मे हुए लोग मकर राशि में आते हैं। मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि यानी सैटर्न है। इनको प्रसन्न करने के लिए 11.25 रत्ती का बड़े साइज का ब्लू टोपाज धारण करना चाहिए। इस रत्न को पहनने से व्यक्ति के सभी दुख दूर होते हैं। प्लॉट एवं प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। ग्रहों में सबसे ज्यादा लोग शनि ग्रह के बुरे प्रभाव से डरते हैं। शनि की ढैया और 7.5 से ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे शनिदेव के प्रकोप से बचा जा सके? जी हाँ बिल्कुल। ग्रहों में शनि जी को काफी प्रभावशाली और क्रूर ग्रह माना जाता है। राहु और केतु शनि की परछाइयां हैं। इन ग्रहों की स्थिति अगर खराब होती है तो इंसान द्वारा किया जाने वाला अच्छा कार्य भी बुरा फल देता है। वह यश की जगह अपयश ही पाता है। रोजगार में लाभ की जगह हानि मिलती है।
और वह कर्ज के बोझ तले दब जाता है। मनुष्य एक मृग तृष्णा की तरह भटकने लगता है। राशि रत्न के साथ मिलने वाली इस चेंज योर फॉर्चून गाइड में आपको शनि, राहु और केतु को शांत और प्रसन्न करने के उपचार बताए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति इन उपचारों को नियमित रूप से करेगा तो निश्चित ही ये ग्रह प्रसन्न होकर उसे हानि के बजाय लाभ पहुंचाएंगे। डॉक्टर शशांक, क्या सचमुच मनुष्य इन उपचारों को करके अपने भाग्य में लिखी परेशानियों से बच सकता है और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है? जी हाँ, ये सारे उपाय हमारे ग्रंथों में वर्णित हैं और निश्चय ही फल देते हैं। ये कुछ इस प्रकार हैं, जैसे अगर आपको किसी व्यक्ति पर जोर से गुस्सा आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि आज मैं उसे 2 थप्पड़ लगाऊंगा, लेकिन वो व्यक्ति आपसे मिलकर अगर माफी मांगे और पैर छुए तो निश्चय ही आप उसको क्षमा कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से नवग्रह जितने कठोर हैं उतने ही दयालु हैं। क्रोधित होने पर इंसान का सारा सुख छीन लेते हैं और वही प्रसन्न होते हैं तो इंसान दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की करने लगता है। मेरे बहुत से भक्तों ने इन उपायों को नियमित रूप से किया और हानि की जगह लाभ हुआ। इनका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो गया और आज इनके पास पैसे, रुपए, धन धान्य, ऐश्वर्य का भंडार है। कुंभ राशि एक्वेरियस। 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच जन्मे हुए लोगों की जन्म राशि कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि यानी सैटर्न है। इनको प्रसन्न करने के लिए 11.25 रत्ती का बड़े साइज का टाइगर्स आई पहनना चाहिए। इस रत्न को पहनने से व्यक्ति को अप्रत्याशित लाभ एवं उनकी बाधाओं का शमन होता है और अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति होती है। मीन राशि पाइसेस। 21 फरवरी से 21 मार्च के बीच जन्मे हुए लोगों की जन्म राशि मीन राशि होती है। मीन राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर है। इनकी कृपा प्राप्ति के लिए 11.25 रत्ती का बड़े साइज का येलो टोपाज धारण करना चाहिए। इस रत्न को पहनने से सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलता है, प्रगति पथ खुल जाता है और मनुष्य की सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। मैं मांगलिक हूं, मेरी शादी नहीं हो रही थी और उम्र दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फिर चेंज योर फॉर्चून गाइड में दिए हुए सारे उपाय मैंने नियमित रूप से किए और देखते ही देखते सिर्फ 6 महीनों में ही मेरी शादी हो गई। आज मैं और मेरे पति सुखी एवं सफल वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। काफी प्रयासों के बावजूद अगर आपको व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही या फिर नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, मनचाहे साथी के साथ विवाह में अड़चन है या शादी के बाद घर में कलेश है, तो फिर बिना समय गवाए अभी हमारी हेल्पलाइन पर संपर्क करके मंगवाएं अपना राशि रत्न और इसके साथ में मिलने वाली चेंज योर फॉर्च्यून गाइड में बताए गए उपायों को रोजाना नियमित रूप से करें। अवश्य ही नवग्रह प्रसन्न होंगे और आपका भाग्योदय होगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो अभी फोन करें अपने खुशहाल और बेहतर भविष्य के लिए। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि वे सभी का कल्याण करें और सभी लोग जिए एक स्वस्थ, सुखी, संपत्ति और समृद्धि, खुशहाली से भरा जीवन। इस कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। इस विशाल काय ब्रह्मांड में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। हर महीने पृथ्वी 30 डिग्री घूमती है और 12 महीनों में 360 डिग्री घूमकर सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है। हर महीने सूर्य और धरती के बीच में पड़ने वाला ग्रह मनुष्य का राशि ग्रह कहलाता है। इस तरह से मनुष्य जीवन में 12 राशियां होती हैं। ग्रहों की शक्तियां ही मानव जीवन को संचालित करती हैं। ये दिखाई नहीं देती पर इनका अनुभव हर मनुष्य को होता है। हम में से कोई भी सूर्य और चंद्रमा के बिना इस संसार में जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता है। मनुष्य के जन्म लेने के समय नव ग्रहों की स्थिति और नव ग्रहों की दशा ही मनुष्य का वर्तमान
और भविष्य निर्धारित करती है। जहाँ कोई व्यक्ति राजा जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है तो वहीं कोई गरीबी की जिंदगी जी रहा है। अक्सर देखा गया है कम प्रभावशाली लोगों के पास नाम शोहरत और पैसा होता है तो वहीं काबिल लोग अनेकों प्रयास करने के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं और पैसा नहीं कमा पाते। इन नवग्रहों के प्रभाव से ही कोई स्वस्थ जिंदगी जी रहा है तो कोई रोगों से परेशान, किसी की शादी नहीं हो रही तो किसी को संतान सुख नहीं, कोई नौकरी के लिए परेशान है तो कोई लगातार व्यापार में घाटा उठा रहा है। ग्रहों की अच्छी दशा की वजह से ही कोई महलों जैसे घर में रह रहा है तो वहीं ग्रहों की खराब दशा की वजह से लोग छोटे से घर में घुट घुट कर जी रहे हैं। ग्रहों के दुष्प्रभाव से जीवन में मानसिक अशांति, घर में क्लेश, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। मनुष्य पर नवग्रहों के इन्हीं प्रभावों को राशि और भाग्य का खेल कहते हैं। करीब 1700 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इन नवग्रहों के महत्व को समझ लिया था और बृहद संहिता ग्रंथ की रचना की। इन नवग्रहों से मनुष्य तो क्या पूरी धरती का जीवन प्रभावित होता है, जाति या धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। हजारों साल पहले इन्हीं नवग्रहों के प्रभाव से धरती पर विस्फोट हुए और मानव जाति के कल्याण के लिए ईश्वर की प्रेरणा से धरती माँ के पवित्र गर्भ से समस्त दुख एवं शोक नाशक कल्याणकारी इन अनमोल रत्नों का जन्म हुआ। जिस तरह से मोबाइल फोन्स काफी दूर स्थित अपने टावर से सिग्नल लेते हैं या फिर डीटीएच जो हजारों मील दूर सैटेलाइट से सिग्नल लेकर हाई डेफिनेशन चैनल दिखाता है, ठीक उसी तरह ये रत्न अपने स्वामी ग्रह की पावर हम तक पहुंचाते हैं और हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए जीवन का हर मुकाम हासिल करते हैं। अब आप भी अपनी राशि का रत्न पहनकर जीवन में बिना समय गवाए सफलता हासिल कर सकते हैं। इन रत्नों को पहनते ही आप प्लेनेट्स की कॉस्मिक एनर्जी को महसूस करेंगे, ग्रहों की शक्तियां आएंगी और आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। इनको पहनते ही आपकी सभी बाधाएं दूर होने लगेंगी, आपको जीवन में आगे बढ़ने के नए नए अवसर मिलेंगे और आप जीवन में नई बुलंदियों को छुएंगे। छोटे रत्न कम कॉस्मिक एनर्जी देते हैं, जितना बड़ा रत्न उतनी ज्यादा पावर और पॉजिटिव रिजल्ट्स। इसीलिए जीवन में सफलता और अच्छे परिणामों के लिए 1.25 रत्ती के बड़े रत्न ही धारण करने चाहिए। ये सभी रत्न नेचुरल और जेन्युइन हैं और हर रत्न के साथ है इनके ओरिजिनल होने का प्रमाण पत्र। राशि रत्न के साथ मिलने वाली इस चेंज योर फॉर्च्यून गाइड में हमने सभी राशि रत्नों को पहनने का दिन, समय और विधि बताई है। शनि की ढैया, साढ़े साती या फिर राहु केतु का प्रकोप, इन सब से बचने के पौराणिक और सफल उपाय भी इस गाइड में हैं। इस गाइड में हर राशि के भाग्य में आने वाली अड़चनों को दूर करने और तरक्की के नए नए मार्ग खुलने के बेहद आसान तरीके बताए गए हैं। अपनी राशि अनुसार रत्न पहनकर आप इस गाइड में बताए गए उपायों को नियमित रूप से करेंगे तो आपका भाग्योदय अवश्य ही होगा। नौकरी और व्यापार में तरक्की होगी, धन आने के नए नए रास्ते खुलेंगे, घर धन धान्य से भरा रहेगा, आप भी जिएंगे एक सुखी, संपत्ति और समृद्ध से परिपूर्ण जीवन। ज्वेलरी शोरूम के खर्चे लाखों रुपयों में होते हैं, इसीलिए ज्वेलरी शोरूम में बेहद छोटे साइज के रत्न लाखों रुपयों में प्रेशियस स्टोन्स यानी नवरत्नों के नाम पे बेचे जाते हैं, जो महंगे तो होते हैं लेकिन पूर्ण प्रभावशाली नहीं होते। टीवी से इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर, हम रत्नों की खदानों से ये खूबसूरत रत्न नेचुरल फॉर्म में बहुत बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। जयपुर में स्थित हमारी इस विशाल फैक्ट्री में रत्नों के जानकार कारीगर इन्हें अत्याधुनिक मशीनों पर इनकी कटिंग और पॉलिशिंग करते हैं, इन्हें खूबसूरत आकार देते हैं और फिर इन्हें सेट किया जाता है। एडजस्टेबल यानी फिट फॉर ऑल 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड इन रिंग्स में हम हजारों राशि रत्न रोज बनाते हैं और पहुंचाते हैं सीधे आप तक। जन कल्याण की भावना से 1.25 रत्ती के ये बड़े और अनमोल राशि रत्न टीवीसी आप तक पहुँचा रहे हैं बहुत ही कम कीमत पर। तो आज ही हमारी 24 आवर्स हेल्पलाइन पर संपर्क कीजिए और मंगवाइए अपना राशि रत्न और सवारिए
अपना भाग्य। खोया हुआ समय वापस नहीं आता है, इसीलिए अभी हमारी 24 आवर्स हेल्पलाइन पर संपर्क करें और मंगवाएं अपना राशि रत्न और संवारें अपना भाग्य। 11.25 रत्ती के ये बड़े साइज के बेहद सुंदर रत्न आप प्राप्त कर सकते हैं 4,890 रुपए की सहयोग राशि में।